यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल सोमवार से खुल गए। इसको लेकर बच्चों की अपेक्षा बच्चियों में ज्यादा उत्साह दिखा। हालांकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल कक्षा 9 से 12 तक की ही कक्षाएं संचालित होंगी। पहली पाली में सुबह 8 से 11 कक्षा 9 व 10 और दूसरी पाली में कक्षा 11 से 12 तक सुबह 11 से शाम 2 बजे तक पढ़ाई शुरू हुई है। पहले दिन लगभग हर स्कूल में कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन होता दिखाई दिया। बच्चे मास्क लगाकर स्कूल आए थे। कक्षाओं में 6 फीट की दूरी पर बच्चे बैठे थे। एसओपी के मुताबिक रोजाना 50% बच्चों को ही बुलाना है। कुछ स्कूलों में 50% की उपस्थिति दिखी तो कहीं 30-40% ही बच्चा नजर आए। बच्चे अपने साथ पेरेंट्स की सहमति का पत्र भी लेकर आए थे क्योंकि ये पत्र अनिवार्य है। कुछ स्कूल में कक्षा 9-10 के बच्चे पहली पाली में ही बुला लिए गए थे तो कहीं एक ही पाली के लिए कक्षा 11-12 के बच्चे बुलाए गए थे। जीजीआईसी में पहली पाली में कक्षा 9 और 10 के बच्चों को बुलाया गया था। प्रिंसिपल सुधा सिंह ने बताया कि गाइडलाइन के हिसाब से 50% बच्चों को बुलाया गया है। लूदर्स कॉन्वेंट की प्रधानाचार्य सिस्टर अल्फोंजा ने बताया कि स्कूल आने वाले सभी छात्राओं को मुख्य गेट पर सैनिटाइजर से हाथ धुलवाया गया। सभी बच्चियां मास्क लगाकर आई थीं। सरकार की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने यूपी बोर्ड के स्कूलों के खुलने के पहले दिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कई स्कूलों का जायजा लिया। इस संबंध में प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज विद्यालयों के खुलने का फर्स्ट ओपनिंग डे है और शासन की मंशा के अनुरूप गाजीपुर जनपद में मुझे पर्यवेक्षण हेतु भेजा गया है और अभी फर्स्ट हाफ में मैंने 6 विद्यालयों का निरीक्षण किया है। सेकंड हाफ में ये चल रहा है। फर्स्ट हाफ में 9th और 10th के बच्चों की पढ़ाई हो रही है और सेकंड हाफ में 11th और 12th की पढ़ाई हो रही है। हम लोगों को बेसिकली यही देखना है कि सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और शौचालय आज की साफ़ सफाई की व्यवस्था सही तरीके से है कि नहीं है। जो बच्चों के खास करके कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत जो प्रोटोकॉल का पालन है जिसमें शासनादेश हुआ है उसकी गाइडलाइन भेजी गई है, उस गाइडलाइन का अनुपालन विद्यालय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अनुरूप पढ़ाई की जा रही है कि नहीं कराई जा रही है, इन सारी चीज़ों को शासनादेश के अनुरूप क्रियान्वयन कराने के लिए और उसके परीक्षण करने के लिए हम आए हुए हैं। तो अभी जो देखने को मिला है विद्यालयों ने प्रोटोकॉल का पालन किया है और साफ़ सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, थर्मल स्कैनिंग मशीन, ये सारी चीज़ें हमें विद्यालयों में देखने को मिली हैं तो बेहतर व्यवस्था के साथ पढ़ाई की ओपनिंग शुरुआत हुई है। DIOS OP रानी ने बताया कि लूदर्स बालिका इंटर कॉलेज, GGIC टाउन, नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर, हनुमान सिंह इंटर कॉलेज देवकली वगैरह पर वो पहुँचे। आज 19 अक्टूबर से जो है वो 9th से 12th क्लास की कक्षाएं शुरू हुई। सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 महीनों से विद्यालय हमारे बंद थे। आज पहला दिन है और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से ये कदम उठाया है और बच्चों के हित में, विद्यालय के हित में उठाया है कदम, और उसमें बच्चे भी बहुत खुश हैं, टीचर खुश हैं, विद्यालय में खूब तैयारी इसके लिए हुई है। सभी जगह कोविड हेल्प डेस्क बना हुआ है। इसी के साथ साथ एक माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय, मिशन शक्ति, उसके लिए भी हम लोगों ने विद्यालय में पोस्टर बैनर जागरूक करने के लिए लगाया है। टाइम टेबल अलग से बनाया गया है इन बच्चों के लिए और आज ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हमारे जो है, जो मंडल के ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हैं वाराणसी के, श्री अजय द्विवेदी जी, उनको शासन ने यहाँ पे नोडल अधिकारी नामित किया गाजीपुर जनपद के लिए, वो आए हुए हैं और हम लोगों ने कई तहसील के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है। हर जगह जो है बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है और थोड़ी बहुत सफाई का काम अभी चल रहा है क्योंकि विद्यालय बंद थे, अभी कुछ सफाई उफाई की कमियाँ दिखाई दी हैं, उनको निर्देश दिया गया है सफाई कराएँ। बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छी तरह क्लास चल रहा है। कोविड महामारी के दौरान लगातार बंद रहे स्कूलों का आज पहला दिन था। सभी जगह कोविड हेल्प डेस्क बना हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन शक्ति चल रहा है, उसके लिए जागरूकता के लिए विद्यालयों में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। बच्चों के लिए अलग से टाइम टेबल भी बनाया गया है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।